हरियाणा में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी ढीली पड़ती दिख रही हैं। कहीं दवाइयों की कमी दिख रही है तो कहीं एम्बुलेंस की। ऐसे में अब सरकार और तमाम पार्टियां अपने स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसी बीच फरीदाबाद में जेजेपी की ओर से फ्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। ये एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहकर काम करेगी। इस एम्बुलेंस में एक कंपाउंडर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की गई है ताकि मरीज को किसी तरह की परेशानी से जूझना ना पड़े। ये हमने एक हेल्पलाइन नंबर युवा जजपा की ओर से जारी करा था, जिसमें हमने कई सारी सेवाओं का वर्णन किया था, जिसमें हमने मेडिकल कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जारी करी, जिसमें हमने 30,000 से ऊपर अब तक सैनिटाइज़र बंटवाए हैं। उसके बाद सैनिटाइजेशन व्हीकल बनाया जो गली गली और फरीदाबाद के हर एरिया में जाके निरंतर सैनिटाइजेशन कर रहा है। तो उसी हेल्पलाइन नंबर के ऊपर बहुत सारी कॉल्स और बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही, एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा पैसे ले रही है, हमारे मरीजों के लिए दिक्कत आ रही है। और ज़्यादातर जो क्वेरीज आई वो आई स्लम के इलाकों से, गाँव के इलाकों से, कॉलोनियों के इलाकों से, जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एम्बुलेंस सर्विसेज को। तो इन सारी कॉल्स को मद्देनज़र ते हुए ये एम्बुलेंस सेवा आज हमने अपनी तरफ से फ्री जारी करी है कि जो लोग जिनकी हमारे पास कॉल्स आती हैं और हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो हमने अपनी तरफ से ये प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये एम्बुलेंस पहुंचे और उन मरीजों को सहूलियत हो। वहीं इसको लेकर जेजेपी के युवा नेता अरविंद भारद्वाज ने कहा कि सभी लोगों को साथ लेकर चलना और गरीब लोगों की मदद करना उनका पहला कर्तव्य है। सभी लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की मदद करनी चाहिए। का जो ये महामारी का जो दौर है, इसमें सभी लोग परेशान हैं, ख़ास तौर पर जिनके घर में कोई पीड़ित है कोरोना की महामारी से, तो उनकी मदद के लिए जननायक जनता पार्टी पहले से ही प्रयास कर रही है। पहले से ही सैनिटाइजेशन का अभियान भी हमारा इस ज़िले में चल रहा है। दो गाड़ियां हमारी एक शहर में एक देहात में चल रही है। युवा जजपा की ओर से यहाँ शहर में शुरुआत हुई थी। इसके अलावा हमारी जो यूथ टीम है उसके प्रधान हैं हमारे नलिन हुड्डा जी, ये सैनिटाइज़र भी बंटवा रहे हैं, मास्क भी इन्होंने यहाँ बंटवाए हैं। और अब ये एम्बुलेंस की जो शुरुआत की है ये स्लम के लोगों के लिए या गांव के लोगों के लिए जो पैसे नहीं खर्च कर सकते एम्बुलेंस के लिए या जो फाइनेंशियली रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए मदद के लिए है कि फ्री एम्बुलेंस सेवा जो ऑक्सीजन युक्त है, इसमें विद ऑक्सीजन है। अगर उन्हें किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो किसी मरीज को, तो वो एक टोल फ्री नंबर युवा जजपा ने जारी किया है, उस पर फ़ोन कर सकता है और एम्बुलेंस मंगा सकता है और इसकी सुविधाएँ फ्री में ले सकता है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण से राहत नहीं मिल रही है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण काफी तेजी से फैलने लगा है, जो कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार की टेंशन बढ़ा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के अभाव से किसी की मौत ना हो। पंजाब के सी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।